चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नए पेड़ पौधों की वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक खूबसूरत फूलों वाली बेल। दोस्तों, आप जो ये लाल फूलों वाली बेल देख रहे हैं, इस बेल का नाम कामलता है, जिसे जयंती फूल भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में साइप्रस वाइन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम एपोमिया क्वामोकिलिट है, जो कि कॉनवोल्वुलेसी या मॉर्निंग ग्लोरी परिवार का पौधा है। दोस्तों, इस पौधे को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में कामलता, जयंती फूल, कनाडा में कामलाते, काशी रत्न, मणिपुर में कामलता, बंगाली में कुंजलता, मराठी में गणेश वेल, तमिल में मैलमलिक्कम, केम्बू मल्लिगई, मलयालम में सूर्यकांति, तेलुगु में काशी रत्न, नेपाली में जयंती और उर्दू में इश्क पहचान आदि नामों से इस पौधे को जाना जाता है। दोस्तों, कमलता की बेल अपने छोटे लाल फूलों और नाजुक फर्न के जैसी पत्तियों के साथ फैलता है और दोस्तों, इसके सुंदर लाल फूल सुबह सुबह खिलते हैं। दोस्तों, इसकी पत्तियां 3 से 4 इंच लंबी और पंख जैसी या पतले पतले धागे जैसी खंडों में विभाजित हुई होती हैं। दोस्तों, इसके लाल रंग के फूल ट्यूबुलर की तरह होते हैं, जो लगभग 1.5 इंच तक लंबे होते हैं और मुंह से 5 नुकीले तार जैसे पुंकेसर निकले हुए होते हैं। और दोस्तों, यह पौधा एक वार्षिक पौधा है, जो सैकड़ों फूल पैदा करता है और हजारों बीज साल दर साल इस पौधे से निकलते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि विशेष रूप से यह पौधा गर्म स्थानों में आक्रामक हो सकता है, हालांकि इसे एक वार्षिक पौधे के रूप में इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि इच्छा ना हो तो बीज लगाने से पहले पौधे को हटा दिया जाता है। दोस्तों, यह बेल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल निवासी फूलों वाली बेल है और दोस्तों, इस बेल को लोग अपने घरों के गमलों बगीचों में खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं। दोस्तों, आप भी इस कमलता की बेल के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और वातावरण में होने वाले पेड़ पौधों से संबंधित नई नई जानकारी पाने और समझने के लिए भू प्रकृति वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।